Morning, grade 9. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. And today we will be continuing our chapter number 4 of PAC studies. And the topic is Pakistan Objectives Resolution on page number 100 of your book. Basically, we have studied before the role of Liaquat Ali Khan as a Prime Minister of Pakistan. In that we have studied he was the one who tried to make the new constitution for Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान की के लिए एक आइन बनाने की जो है basically उसमें पहला initiative लिया था. उसी को मद्देनज़र रखते हुए he gave objectives resolution जिसको हम उर्दू में कहते हैं करारदादे मकासद in 1949. अब उस करारदाद में उनके कुछ जो है मेजर पॉइंट्स थे. ठीक है, हम उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्यों थे. नंबर वन वाज सोवरेनिटी. सोवरेनिटी इज़ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट और अ बिलीफ. इसका मतलब ये होता है कि हम ये कंसिडर करें कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है दैट इज़ सोवरेन मोस्ट अबव ऑल. ठीक है, और उसी ने जो है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और पाकिस्तान को ये अथॉरिटी दी है कि वो उनके लोगों के लिए काम करें, लेकिन एक महदूद जो लिमिट्स अल्लाह ने सेट की हैं उनके अंदर जो राइट्स दिए गए हैं. लाइक देयर आर सम बेसिक राइट्स दैट यू कांट इंटरवेन. लाइक यू हैव राइट टू ब्रीथ, यू हैव राइट टू लिव, यू हैव राइट टू स्पीक. ये ऐसे राइट्स हैं जो कि बेसिकली एज अ बॉर्न चाइल्ड आपको मिलते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट है कोई. और सेकंड पॉइंट इज़ इस्लामिक लेजिस्लेशन, विच मींस दैट कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो हम इस्लामिक टीचिंग्स को मद्देनज़र रख के उसको बनाएंगे. ठीक है, और उसके बाद थर्ड इज़ इस्लामिक वैल्यूज़, जो हमारी मेजर इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो कि इस्लाम ने हमें दी है, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, हर एक को इक्वल होना चाहिए, टॉलरेंस, बर्दाश्त, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में मद्देनज़र रखी जाएंगी. फोर्थ पॉइंट इज़ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे हम उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो लोग हैं वो इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें. कुरान और सुन्नत जो है हमारी उनके असूलों पे चलते हुए. फिफ्थ पॉइंट इज़ फेडरल गवर्नमेंट, विच मींस दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हम गवर्नमेंट बनाएंगे उसमें हम फेडरेशन सिस्टम रखेंगे जिसमें डिफरेंट यूनिट्स होंगे. ठीक है, लाइक जुडिशरी एक यूनिट हो गया, लेजिस्लेशन का एक यूनिट हो गया, और इस तरह से होंगे और वो आपस में इकट्ठे काम करेंगे, लेकिन हर एक को लिमिटेड जो है अथॉरिटी दी जाएगी. सिक्स पॉइंट इज़ फंडामेंटल राइट्स, जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, जैसे कि राइट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वॉरशिप, और इसी तरह इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, योर राइट टू ओन प्रॉपर्टी, लॉ, जस्टिस, दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम्स इन द फंडामेंटल राइट्स. एंड देन और नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिवेलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब पाकिस्तान बेसिकली बना, जब आए, तो मेजर प्रॉब्लम क्या कायदे आज़म को फेस करना पड़ा कि मोस्टली डिस्ट्रक्टिव थे एरियाज़. तो इसमें मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए लियाकत अली खान ने यह दिया है कि हम डिवेलपमेंट करेंगे बैकवर्ड एरियाज़ की. ठीक, उसके बाद एट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ बेसिकली वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम माइनर, थोड़ी सी मकदार में ये कम. माइनॉरिटीज़ आर द पीपल जो कि यहाँ पे हम अगर देखा जाए पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मुसलमान हैं. ठीक है, दे कम इन द मेजॉरिटीज़. देन देयर आर सम माइनॉर सेक्ट्स लाइक क्रिश्चियनिटी, हिंदूज, दीज आर द माइनॉरिटीज़. जब पाकिस्तान बनने से पहले भी कायदे आज़म का जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि हम एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे सबको मज़हबी आज़ादी दी जाएगी. उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाएंगे, कि वो अपनी आज़ादी के साथ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें और अपने कल्चर्स पे अपना सकें, मतलब उनको एज़ इट इज़ कॉन्टिन्यू रखें. लास्ट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस कि जो वो ममालिक हमेशा कामयाब होते हैं जिनके जुडिशल सिस्टम आज़ाद होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट का टू मेक द डिसीजन. अगर कोई चीज़ गलत हुई है दे आर एबल टू से दैट दिस इज़ रॉन्ग, और इसमें अमेंडमेंट नहीं होती. सो दिस पॉइंट वॉज एडेड कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी. And after all these points, there is importance of objectives resolution in the sense
کہ یہ سب سے زیادہ اہم قرارداد اس لیے تھی کہ یہ ایسی قرارداد تھی جس میں بیسیکلی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جتنا بھی کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جائے گا، آئین بنایا جائے گا، قانون بنایا جائے گا، اس میں مد نظر رکھا جائے گا کہ ہم ایک اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں قرآن کی اور سنہ کی روشنی میں، اور اسی لیے یہ قرارداد تینوں جو کانسٹیٹیوشن ابھی تک پاکستان کی ہسٹری میں بنے 1956 میں، 62 میں، 73 یہ ایز اے پریمبل یوز ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کا کویشچن ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں کویشچن نمبر 6 لانگ، اس کا یہ آنسر بھی ہے۔ دے ہیو آسکڈ یو اباؤٹ پاکستان آبجیکٹیوز ریزولوشن، سو یو کین ایکسپلین دیز پوائنٹس۔ اف یو ول بی ہیونگ اینی کیری دین یو کین آسک می، آئی ول ایکسپلین یو اگین۔ اینڈ آئی ہوپ دیٹ کہ ہمارے جو حذیفہ اردو والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، گڈ ڈے۔